सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन, इस्लाम में बहन बेटी की अहमियत क्या है? सामाईन, बेटियां हमारे लिए अल्लाह की नेमत व रहमत हैं, लेकिन अफसोस आज दुनिया ने अपने गलत ख्यालों और रस्मों की वजह से उन्हें अपने लिए मुसीबत समझ लिया है। इस्लाम ही दुनिया का एक ऐसा मज़हब है जिसने माँ बहनों और बेटियों की इज्जत करना सिखाया है और उनकी परवरिश, तालीम व तरबियत और खिदमत पर दुनिया व आखिरत की बशारतें सुनाई हैं। लेकिन आज की नई नस्ल पीढ़ी में उन्हें पैदा होने से पहले ही मारकर उन्हें जीने के हक से महरूम किया जा रहा है, जिसकी खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। आइए, इस माहौल में हम पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम रहमत सुनें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। सामाईन, हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक दिन एक औरत अपनी दो बच्चियों को लेकर मेरे पास आई। मैंने उसे तीन खजूरें दी। उसने एक एक खजूर अपनी बच्चियों को दे दी और एक खजूर अपने पास रख ली। दोनों बच्चियों ने अपनी अपनी खजूर खा ली तो उस औरत ने अपनी खजूर भी उन दोनों बच्चियों को आधी आधी दे दी। उनकी ये बात जब मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया, अल्लाह ने उन दोनों बच्चियों की वजह से उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी या उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया। सामाईन, देखा आपने, बच्चियों की मोहब्बत की बदौलत माँ जन्नती बन गई। इस्लाम ने किस कदर बेटियों और औरतों का मर्तबा बढ़ाया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी तीन बेटियों की परवरिश अच्छी तरह की वह जन्नत में मेरे इतने करीब होगा जैसे हाथ की ये दोनों उंगलियां हैं। ऐसे आदमी को दिन में रोज़ा रखने वाले और रात में नमाजें पढ़ने वाले मुजाहिद जैसा सवाब मिलता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी दो बेटियां हों, जब तक उसके पास रहें वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करे, उनका अच्छी जगह निकाह कराए, तो वो बच्चियां उसे जन्नत में ले जाएंगी। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी दो बच्चियां या बहनें हों, जब तक वो उसके पास रहें वह उनकी अच्छी परवरिश करे, तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी एक बच्ची हो वो उसे बोझ न समझे, तकलीफ़ ना दे, बल्कि उसकी अच्छी परवरिश करे, उसे बेटों से कम न समझे। अल्लाह पाक ऐसे बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आइए एक और हदीस सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी तीन बच्चियां हों और गरीब होने की वजह से उनकी तरबियत व परवरिश में उसे परेशानियां उठानी पड़ें और ये उन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम ले, तो अल्लाह ताला बच्चियों के साथ प्यार भरा बर्ताव करने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, आज दुनिया जिसे अपने लिए बोझ समझ रही है, जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसे बेटों से कम समझा जा रहा है, जिसे उसके हक से महरूम किया जा रहा है, उसी बहन बेटी की तालीम व तरबियत और परवरिश करने वालों को जन्नत की बसारत सुनाई जा रही है। ऐसा हुक्म व ताकीद दुनिया के किसी और मजहब ने नहीं दी है और ख़ुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बेमिसाल प्यार फरमाकर दुनिया वालों को बेटियों से प्यार करने की तालीम दी है। खुदा के लिए बहन बेटियों को बोझ ना समझें, बल्कि उन्हें अपने लिए अल्लाह की रहमत समझें। सामाईन, हमारी इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने अजीज़ व अकरबा में शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।